अगर आपको मेरे वीडियोस आते हैं पसंद और आप मेरे आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इजी, सिंपल, टेस्टी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और पनीर की ये सूखी सब्जी की रेसिपी। आज की इस सब्जी को मैंने कम से कम तेल और मसालों के साथ बनाया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। वेलकम टू मोहिनीज मील हब, मैं हूँ मोहिनी सागर। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सब्जियों में सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 150 ग्राम पनीर और पनीर को मैंने इस तरह से रेक्टेंगल शेप में कट किया है। एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च जिसका बीज हटा के मैंने इसे 1 इंच की लंबाई में कट कर लिया है। एक गाजर जिसका छिलका हटा के मैंने इसे भी 1 इंच की लंबाई में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज से थोड़ा सा बड़ा प्याज जिसे मैंने इस तरह से स्लाइस किया है। प्याज को आपको बहुत ज़्यादा फाइन स्लाइस नहीं करना है, प्याज को स्लाइस करते वक्त आपको इसे थोड़ा सा मोटा ही रखना है। सब्जी बनाने से पहले हमें पनीर को हल्का शैलो फ्राई कर लेना है ताकि पनीर का टेस्ट सब्जी में अच्छा आए। तो फ्लेम ऑन करके कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल और तेल को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे हल्का गर्म कर लेंगे। जब तेल हल्का हल्का गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे पनीर और पनीर को मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें शैलो फ्राई कर लेना है। तो पनीर अब दोनों तरफ से शैलो फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अब पनीर को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में मैं दोबारा से 1 बड़ा चम्मच और तेल डाल रही हूँ और सबसे पहले तड़के के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 सूखी लाल मिर्च और 1/2 छोटा चम्मच जीरा। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम तड़के को कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे ताकि जीरा क्रैकल हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 से 6 फाइन चॉप किया हुआ लहसुन। आप चाहें तो लहसुन को ग्रेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं इस्तेमाल करना है। फ्राई कर लेंगे लहसुन को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए ताकि लहसुन का कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटा हुआ प्याज और प्याज को मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें सिर्फ 1 मिनट तक ही फ्राई करना है। प्याज को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो इसी स्टेज तक आपको प्याज को फ्राई करना है। सब्जियों में हम क्रंच को मेंटेन रखेंगे इसलिए मैंने प्याज को ज्यादा फ्राई नहीं किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई शिमला मिर्च। कटी हुई गाजर, एक बार मिला लेंगे इन सारी चीजों को अच्छे से। और अब हम फ्लेम को चेंज कर लेंगे, फ्लेम को अब हम मीडियम लो से लो कर लेंगे। सब्जी में हम मसाले डाल देंगे तो कम से कम मसालों का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ताकि सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आए। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मसालों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जी में। और ढक के सब्जी को हम लो फ्लेम पे पकाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट तक ताकि सब्जियां जो हैं वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएं। गाजर और शिमला मिर्च दोनों सॉफ्ट हो चुका है। गाजर और शिमला मिर्च को पकाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई किया हुआ पनीर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता और थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने हथेलियों के बीच में रख के क्रश कर लिया था, उसके बाद में इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे और दोबारा से ढक के सब्जी को हम लो फ्लेम पे कम से कम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे।
प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और पनीर की सूखी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। आप देख सकते हैं ये सब्जी कितना टेस्टी दिख रहा है और इस सब्जी को मैं सर्व करूंगी गर्मा गर्म पराठों के साथ, क्योंकि पराठे से इस सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो इस सब्जी को सर्व कर सकते हैं घी लगी चपातियों के साथ। आप भी इस सब्जी को बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सब्जी बहुत झटपट बनती है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।